बोनस सिस्टम को समझना और अपनी कोर टीम को समझाना। सितंबर में जो हमने काम किया, धमाल, कमाल, लाजवाब, उसकी शाबाशी, उसकी ट्रॉफी, उसका पैसा 7 नवंबर को आपके खाते में ट्रांसफर। अब आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं? क्यों सर? तो हमें बोनस सिस्टम जो है उसके आधार पर हमें लोगों को समझाएंगे तो सर बात बनेगी और हर चीज हासिल की जा सकती है। वो कैसे होगी? योजना आ रही। चले आगे। ईगल पे 2000, स्टार पे 4000, रॉयल्टी पे 10 से 15000, टेक्निकल पे 19000 से 40000 का तो बोनस आता है। तो बताना चाहता हूं आपको, इसे हल्के में, बोनस की बात कर रहा हूं, चेक की बात नहीं कर रहा। ये मिनिमम लिखा है मैंने, इससे ज्यादा ही आता है। चले आगे। इसे बताइए, प्रमोट कीजिए, फिर जो पिन निकली है वो छोड़ेंगे नहीं, उसे अचीव करेंगे और उन्हें प्लानिंग बना के दो कि अक्टूबर में कैसे कैसे हासिल कर सकते हो, हो जाएगा काम। चले आगे। चले क्या? चले। बहुत बढ़िया। काम नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दो बार आ गया। अगला काम है पावर ऑफ शेड्यूल। पावर ऑफ शेड्यूल, देखिए कोई भी काम स्वतः नहीं होता, स्वतः नहीं होता, अपने आप नहीं होता, रोटी भी बनानी पड़ती है। क्लियर है? तो ये तो काम है अपना शेड्यूल, भैया वो बुक करो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जितने भी अभी जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, अब उनसे मिलने चले जाओ। है उन पर टाइम? कहां है वो? ये बोले दौरे पे, मीटिंगों में नहीं, दौरे पे चल रहे हैं जी। आधे घंटे का टाइम, आधा घंटा यहां, आधा घंटा वहां, ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे सितंबर में करा। शेड्यूल बनाइए भाई साहब। आप अगर स्लो स्लो रहे तो टीम और स्लो स्लो हो जाएगी। फुल चार्ज रहो। क्या रहो? फुल चार्ज रहो। क्या रहो? फुल चार्ज। क्या 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 बनाना है शेड्यूल? डेप्थ की वर्किंग, कहां कहां जो बिगिनर बने हैं ना, डेप्थ, नए लोग 20000 का बिजनेस से जाओ, वहां सबसे ज्यादा शेड्यूल बनाओ, उनके पीछे लगो। क्योंकि लोग नीचे से ला, जिनके टारगेट रह गए या लेट हुए, केवल एक वजह है, नीचे से करवाओ, नीचे से करवाओ। मैं तो पाताल तक गया, यहां करवाओ। हाँ हाँ, यहां करवाओ सर, यहां 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 होगा तो होगा। मैं वहां तक गया तो आपको डेप्थ लीडर, वहां ज्यादा शेड्यूल, और 10 तारीख तक उस 20000 को पक्का कर दो अभी। 10 तारीख तक जो पिछले महीने 20000 का स्लैब गया था उसको पक्का कर दो, डेप्थ का पक्का कर दो। और हम पक्का मजबूत काम करने में विश्वास करते हैं और हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? Yes. कर सकते। मान लिया तो हो जाएगा, और सक हुआ तो नहीं होगा। अब मैं आपको वो बताऊंगा, जैसे तू बारिश आने वाली है तो कैसे कैसे अंदाजा लगाते हैं लोग, ऐसे ही तो लगाते हैं, ये कंडीशन है, बारिश आ सकती है, ऐसे ही बिजनेस बढ़ेगा अपना शेड्यूल। उसके बाद अगला शेड्यूल, ब्रांच वर्किंग शेड्यूल, जो ये ईगल बना है, रनर बना है, स्टार्टर बना है, ओपनर बना है, और जो ब्रांचेज हैं उनका शेड्यूल। अजीब होता, अपने आप बना होगा, ये 15 अपने आप कर लेगा, 30-40000 अपने आप कर लेगा, पर हमें करवाना है तो उन ब्रांचेज का शेड्यूल हमें फिक्स करना। तैयार हो सर? वो शेड्यूल हमें ही फिक्स करना। क्लियर है सर? ब्रांचेज का शेड्यूल फिक्स करो। उसके बाद अगला है टारगेट। जो भी टारगेट, जैसे टारगेट एनालिसिस, जैसे कई बार रहता है, हमें ये पता है कि इस आदमी का 1-15 करवाते ही ऊपर तक सबका सेट है, इस व्यक्ति का 70000, तो वो टारगेट ओरिएंटेड व्यक्ति हो गया कि नहीं? वो आपकी सुपर हॉट लिस्ट है, और वो व्यक्ति आपके जुबान पर रहना चाहिए। कसीदे पढ़ो उसके साथ, एक रसगुल्ला एक्स्ट्रा खिलाओ उसे। Yes. वो गाना नहीं है तो ये जान मेरी करके गाना नहीं है वो, इस तरह उसके साथ लगो भैया, वही वो व्यक्ति है जो पता है आपको, ये पॉइंट अगर करेक्ट कर लिया इस आदमी का तो बिजनेस, तो भैया चलो आगे। उसके बाद है बिजनेस क्लोजिंग शेड्यूल। बिजनेस की जब क्लोजिंग होगी 10 तारीख को, मैं 30 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 क्लोजिंग होती है, 1 को हमने आपकी बात ज्यादा फोकस नहीं करा, पर 10 को, 10 की क्लोजिंग में आप कहां हो, और 30 तारीख की जो 30-31 अक्टूबर पड़ेगा उसमें आप कहां हो, वो शेड्यूल अभी से फिक्स कर लो, और उसके साथ रहना है। किसके साथ? जो आंकड़े बदल सकता है, जो आंकड़े जिस, तो उसके साथ रहो। क्लियर है सर? क्लियर है सर? तो ये फिक्स करो अभी से।
10 तारीख को आप कहां रहने वाले हो। और एक निवेदन है, घर पे मत रहना। एक और निवेदन है, केवल पीयूसी पे मत रहना, रह रहे हो तो सारे इकट्ठे रहना। ये आपको समझना पड़ेगा। 10 तारीख की क्लोजिंग ऐसे करो, सर का नजारा बन रहा था रात को 12 बजे, कोई जाने को तैयार था, बोले सर यहीं लगवाओ आज तो यहीं सोएंगे। पीछे हंस रहे हैं सर, मजा आ रहा था सर, भूख लग रही थी क्या? तो वो क्लोजिंग करनी है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा सर, जमीनी नेता बनना है सर हमें, वो वाला नेता नहीं बनना कि तो एमपी हो गया, एमएलए हो गया। हम जमीनी लोग हैं और जमीन से जुड़े रहेंगे तो कितना ही बड़ा काम कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? वो दर्द को समझो। जब एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, थोड़ा सा बिजनेस रह रहा होता है, तो वो स्लैब उसका नहीं, आपका टीस होना चाहिए। यार उसका रह रहा है तो वो ही मन में चलना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करो इसका स्लैब लगे, क्योंकि कुछ चीजें ईश्वर भी सेट करता है। यस और नो? तो वहां का उसे अपना समय तो दो। उसके बाद अगली सेल्फ फ्री शेड्यूल, कुछ शेड्यूल ऐसा होगा फ्री है जी, हम होता है ना ऐसा शेड्यूल, उस फ्री शेड्यूल में कर जा रहे हो, ये भी तो पता हो, होता है ना फ्री, होता है। जैसे कुछ लोग कह रहे सर हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते सीडी सुन लिया करो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। खाना बनाते बनाते बहुत सारे काम हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? बर्तन साफ करते करते बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आपने सेल्फ फ्री शेड्यूल को बनाना है। ये शेड्यूल, ये पावर ऑफ शेड्यूल है, इसमें रहो बंधे हुए, काम अपने आप हो जाएगा। सही है सर? चले आगे। चलो साहब आप टारगेट पूरे होंगे सर इससे, चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। सफलता के साथ साथ सफल व्यक्ति का व्यवहार, देखिए कोई हम किसी के बॉस नहीं है, हम किसी के बॉस नहीं है, ऐसा करो नहीं तो ये कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता सर। यहां वो लाल पेन हरा पेन ईश्वर ने हमें वो ताकत नहीं दी, हमारे पास तो मीठे बोल हो सकते हैं, अभी शांत रहो। मेरा तो असली मंजिल तो कुछ और है ना, तो व्यवहार बदलना है। मैं 30 तारीख को लोगों ने बहुत गुस्सा दिलवाने की कोशिश करी, पर मैं वचनबद्ध था विषम की तरह, तो किसी से कुछ ना बोल के अपने काम में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, अभी तक किसी से कुछ नहीं। अब आगे बढ़ गए, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यार ये आदत ही डाल ली है, और आगे बढ़ना है, और डेप्थ में जाना है, और लोग तैयार करेंगे, और लोगों के पास जाएंगे, और अब हमें एक नई ऊर्जा मिली है, नया 1 करोड़ का बिजनेस करके दिखाएंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा मजा कि नहीं आएगा? करेंगे ना सर, हम अपने आप को बदल सकते हैं, सामने वाले पे तो हमारा जोर ही नहीं है सर। यस और नो? एक बार वो ढीली ढीली बात करेगा, गुस्सा इतना आएगा आपको कि समझ रहे हो आप भावनाएं तो, पर उस समय भी थोड़ा हल्का व्यवहार करके, कोई थोड़ा नम्रता के साथ, थोड़ा सा दिल पे पत्थर सा रख के, जैसे सितंबर में रखा होगा मन तो बहुत कुछ किया होगा, पर आप समझे दिल की भावना है, कोई बात नहीं। लीडर सुपर पांच, एक का बोल के वो दो को कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हमें व्यवहार को अपना बनाना पड़ेगा। कर सकते हो भैया? कर सकते हो? क्योंकि हम बॉस नहीं है, हम अपने व्यवहार से किसी को अपना बना सकते हैं, जीत सकते हैं, और हम सच में आपको चैंपियन देखना चाहते हैं, हम सच में आपको बड़ा व्यक्ति देखना चाहते हैं, पैसे से, केवल पैसे से बड़ा नहीं, हर तरीके से बड़ा बन सकते हैं सर। बन सकते हैं सर। तो अपनी तरफ से, अपना मीटिंग के बाद एक अगला वीडियो और है वो आएगा, देखिए क्या करवा सकता है ये नम्रता, ये व्यवहार, क्योंकि अब हमारा तो लोग हमें हर बात को नोटिस करेंगे, लोग कहे हम कुछ रहे हैं समझेंगे कुछ और, समझाना कुछ और चाह रहे हैं समझेंगे कुछ और, ये सब होगा आपके साथ। सही है सर? कई बार मन करेगा यार से ना होता ना तो मैं इसे बता देता, मन करेगा, पर फिर भी क्या करना? कर सकते हो भैया? कर सकते हो? तो बहुत बढ़िया। तो एक और है, देखिए हम किसी की उम्मीद हैं, हम सब किसके आए हैं सर? उम्मीद। जैसे बोला ना सर आपको देख के, या आपको देख के हमने शुरू किया था, बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं ना, वैसे ही एक उम्मीद है, एक होप। बाहर लोग नेगेटिव करते हैं, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पर, कोई हमें कम पढ़ा लिखा समझता है, कोई हमें गांव का समझता है, कोई हमें महिला समझता है, कोई हमें यह समझता है कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव्स में हमको बहुत कम समझा जा रहा है, या हमारे टैलेंट की पूछ नहीं है। पर अगर आप एक की उम्मीद बन पाए तो उम्मीद क्या करवा सकती है? मतलब जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, जब हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हार मान चुके हो, उस टाइम पे हमारी अपलाइन हमें ऐसा दिशा देते देते कि हम जीत सकते हैं, तो हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत सर, मैंने इस वीडियो से ये सीखा कि सर हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या,
मैंने भी इस वीडियो से सीखा, मैंने ये सीखा आउटर मोटिवेशन से ज्यादा इंटरनल मोटिवेशन काम करती है। डॉक्टर्स उसे अपनी आउटर मोटिवेशन यानी जूस पिलाना चाह रहे थे, उनका गोल क्या था, ये जूस पी ले तो सही हो जाएगा। वो चाह तो सही रहे थे ना, वो भी वो थी आउटर मोटिवेशन, पर उस व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा, कोई गोल नहीं, कुछ के अब तो सब कर लिया, पर उस उसे कैरम का शौक था। उस व्यक्ति ने ऐसा माहौल दिया और उसके मन में इंटरनल मोटिवेशन जागी, वो जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था वो खड़ा होकर गया, और खड़ा होकर जाने के बाद अंदर से जूस, उसका काम था जूस रखना, वो जब ऑफर कर रहा था तब नहीं पिया, नहीं पिया ना, उसकी निगाह थी टारगेट पर कि वो गोटी और निकल जाए तब पीऊंगा। उसके बाद अपने पिया और लास्ट क्या बोला, ये तो हो गया अब खाना लाओ। इसका मतलब इंटरनल अंदर से जब निकलेगी ना, हमें अपलाइन रॉयल्टी स्कूल में ला सकता है, माहौल दे सकता है, पर जब तक आपका खुद का जूस पीने का मन नहीं करेगा या खुद का मन नहीं होगा कुछ बड़ा करना है अंदर से, तो कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। हम चाहे जितने भी सीनियर साथी हैं पूरा जोर लगा दें, कुछ होगा क्या, अंदर से वो चलता नहीं है कुछ बड़ा करना है, चलता है तो अंदर से जगाओ उसको। और ये अपनाना है हमें, अपनापन, अपनापन लीडरशिप में अगर रहेगा ना तो सारे काम होते हैं साहब। आप हम आपस में सुख भी बांटेंगे तो दुख भी बांटने कहीं और जाएंगे क्या, और इसी सुख दुख के बीच में, क्योंकि हम तो यहाँ किराए पे आए हैं, किस पे आए हैं सर, किराए का घर है, खाली करके जाना, जिंदगी है तो है कि नहीं, जिंदगी तो बस यूं खत्म, जिस दिन उसका मन आया उस दिन बुला लेगा कि नहीं, और उससे पहले मलाल रहा यार, और कुछ बेटर करके जा सकता था समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, बाद में ये मलाल ना रहे, लोग ये ना कहें अच्छा है चला गया, ये कहें ऐसे कुछ निकाला जा सकता है। एक बार ताली बजा दो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है प्रेम की, प्यार की, सब कुछ करवाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, और कोई सीनियर साथी कुछ कहना चाहे, जी मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सभी को, ये वीडियो में मैं तो व्यवहार और स्नेहन से कुछ भी करवाया जा सकता है, वो व्यवहार हमारा प्लान प्रकृति से होता है, टीम प्रकृति से होता है। कई बार बड़े बड़े टारगेट होते हैं, कई बार ऐसा भी लगता है टारगेट होगा नहीं होगा, कुछ लोगों के झूठ भी जाते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो टारगेट फंसते हैं टकते हैं ना, कुछ लोगों का व्यवहार खराब हो जाते हैं, वो टीम के प्रति भी खराब हो जाते हैं, ऑफलाइन के प्रति भी खराब हो जाते हैं। लेकिन यदि उस कठिन समय में धैर्य से काम किया जाए, प्रेम भाव से काम किया जाए, तो टीम भी आपके लिए जी जान लड़ाने के लिए तैयार है ऑफलाइन में, तो अपने धैर्य ना खोए, व्यवहार और अपनापन बना के रखे। अगर टारगेट एक बार छूट भी गया तो एक महीने का थोड़ी हो गया पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम पीढ़ियों के बिजनेस में है, तो अपना व्यवहार अपनापन और धैर्य किसी भी कीमत पर होना नहीं है, तो टारगेट तो ऑटोमेटिक पूरे हो ही जाएंगे। जैसे हम ये सीख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी हमारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमारे किसी काम की वजह से अगर वो हमें गलत बोल रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए उसने अच्छा काम क्या करता है, क्या कर रहा है। अगर हमने उसकी शाबाशी उसे दी तो हमारा और गुस्सा है उसे भूल जाएगा। जैसे कि इस वीडियो से सर हमें इस तरह एक मिसाल, जैसे कि डॉक्टर रतन सर ने बताया था कि हमें एक वीडियो सुनी है समाधान, तो हम जो भी कोई शब्द बोल रहे हैं उसमें से हमें अच्छाई देखनी है, ना कि कोई नेगेटिव, तो सर वो बिल्कुल हमें समाधान सबको जैसा भी शब्द बोल रहा है उसको हमें समाधान। बहुत बढ़िया, तारीफ की शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो अपने आप ही वो सब कुछ कर लेगा जब हम उससे कराना चाहते हैं। बहुत थैंक यू सर। देखिए कई बार जोश में इधर उधर जब हम रहते हैं फिर भी हो जाता है कुछ, तो ये ताकत काम करती है। यस और नो? यस और नो? अपनापन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बाहर के काम हमें नहीं पता, झूठ बोलना सच बोलना पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, पर आरसीएम परिवार का माहौल
हमें सच्चा इंसान बनना सिखाता है, जीवन में पैसा भी कमाएं और साथ साथ नेक इरादों के साथ हम आगे भी बढ़ते रहें। बात केवल मिशन सितंबर की नहीं है, अब अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, हमें हर महीने लोगों के साथ ही काम करना है कि नहीं। और जब ये खेल ही लोगों का है, आंकड़े बिजनेस में समझ में आते हैं, पर हमें तो शुरू से ही लोग समझ में आते हैं। यस और नो? लोग रहेंगे तो काम भी होगा, लोग ही नहीं रहेंगे तो काम होगा क्या? अभी नोएडा में बहुत बड़ा एम्पायर है, बबलू सर और मैं रास्ते में जा रहे थे तो सर ने बताया बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दोनों भाई थे, दोनों भाई इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि 1,000 करोड़ के व्यापारी, कितने के? और सच्ची घटना बता रहा हूं, दोनों के बॉडीगार्डों ने एक दूसरे के गोली मार ली, दोनों भाइयों, सगे भाइयों के। हेलो, प्रॉपर्टी यही रखी है, जमीन जायदाद यही है दोनों, यहां भी, यहां कोई कुछ बटा हुआ है, कोई कीले बट रहे हैं कुछ, तो हमें भी कोई जाने अनजाने, कोई अप्लायंस से, कोई टीम लीडर से, कोई कैसे ही, चाहे जान कैसे ही गलती हुई है, सितंबर की लड़ाई खत्म, अक्टूबर से एक नए इंसान का जन्म होना चाहिए। हो सकता है, बीती बात विसार दे, तो जो आपके पड़ोस में